सिटी की रसोई में हमारी आज की रेसिपी है पोटैटो चीज बॉल्स। मैं हूँ सीमा सोनी, मेरे साथ है NFCI से अंजना जोशी और शेफ गौरव। तो गौरव जी, हम शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, तो उसके लिए पोटैटो चीज बॉल के लिए हमें चाहिए पोटैटो, मैश्ड पोटैटो, हुए मैश्ड पोटैटोस। हमने इसे बॉईल कर लिया है, तो मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ साथ के साथ। लीजिए, ये पोटैटो हमने बॉईल करके मैश कर लिए हैं। साथ में हमने लिए हैं कॉर्न्स, हमने कॉर्न्स को भी अमेरिकन कॉर्न्स हैं जो कि हमने से हल्का सा बॉईल कर लिया है। वैसे तो ऑलरेडी ये ब्लांच होती हैं, तो हमने इसमें कॉर्न्स डाल दिए हैं, पोटैटो बॉइल्ड। और अब हम डालेंगे इसमें ग्रीन चिली, कैप्सिकम, इसमें आप और भी वैरायटी ऑफ कलरफुल वो डाल सकते हैं, जैसे कैरेट भी डाल सकते हैं, अनियन बारीक कटा हुआ अनियन, और अब ग्रीन कोरिएंडर, धनिया और जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम डालेंगे इसमें सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये हमने मिक्स हर्ब्स लिए हैं, इसे हम कॉन्टिनेंटल डिश है तो इसको हम लोग मिक्स हर्ब्स के साथ में करेंगे। वाइट पेपर, अगर वाइट पेपर नहीं है घर में तो आप इसमें ब्लैक पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने थोड़ा सा इसको जीरा पाउडर डाल दिया है कि जिससे कि इंडो चाइनीज कॉन्टी और चाइनीज का मिक्सचर है। तो ये भुना हुआ जीरा डाल, हाँ जी, खुशबू आ रही है। और थोड़ा सा हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे, कॉर्नफ्लोर बाइंडिंग एजेंट बांध के रखेगा इसको। और ये रहा हमारा मैदा, मैदा ये भी क्वांटिटी हम कम ही डालेंगे क्योंकि हमने इसे अभी इसका बैटर भी बनाना है, तो इसमें इसमें क्वांटिटी जो है वो कम डालेंगे। तो अब हम इसे करेंगे मिक्स। कुछ जो ट्रेडिशनल रेसिपीज होती है ना, उनको अगर ट्रेडिशनल तरीके से ही बनाएं तो अच्छा रहता है। तो मतलब अगर हमारे को इसमें हाथों का यूज़ करना पड़ रहा है तो हम हाथों का यूज़ कर सकते हैं। उसको मैश करने के लिए अच्छे तरीके से। तो मैं समझ गया, हम शेफ को भी बता रहे हैं कि आप अपने हाथों को क्योंकि अच्छे से मिक्स करना इसको ज़रूरी है। मतलब कई बार होता है ना कि बोला जाता है कि नहीं, अगर आप परौंठे बना रहे हैं और आटा गूंदना है तो आप पॉलीथिन लगा के करिए जी, आजकल प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा आटे को आप अपना हाथ अच्छे से धोकर और फिर गूंदिए तो उससे भी अच्छा हो जाएगा, देयर वुड बी नो कंटामिनेशन आपका। कि हाथों में जो प्यार आता है ना, वो कनेक्शन डायरेक्टली दिल से होता है हमारा, तो इसमें हाथों का प्यार डल चुका है, प्यार डल चुका है, डल चुका है ना। बिल्कुल जी, इसे चेक कर लेना है, इसमें ज़्यादा गीले नहीं होने चाहिए पोटैटोस। एक बॉल हम बना के देख लेते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें ग्रेट कर सकते हैं चीज़। तो हमने तो क्यूब्स, छोटे छोटे क्यूब्स। अच्छा। तो इस तरह से हमने बॉल्स रेडी कर लेनी। तो क्यों ना सीमा जी, आप भी थोड़ी सी मदद तो बनती है। तो मतलब हमें भी बनाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे बहुत सारे। इसे पास कर लेते हैं,
और जब ये चीज़ मेल्ट होकर आपके मुंह में आएगा तो बहुत ही स्वाद आने वाला है इसका। तो चलिए अब हम एक बैटर रेडी करते हैं जिसमें हम ये कॉर्न बॉल्स डिप करके इसमें ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे तो इसे डीप फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे इसमें कॉर्न फ्लोर और फिर मैदा, फिर इसमें हम डालेंगे रिफाइंड फ्लोर, हर्ब्स, मिक्स हर्ब्स, सॉल्ट, व्हाइट पेपर, आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं क्रश करके। तो अब हम इसको इसमें वाटर ऐड करेंगे, एक स्मूथ सा पतला सा बैटर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए नहीं तो ये कोटिंग नहीं अच्छी होगी। हमने एक बार में नहीं पानी डालना, धीरे धीरे पानी ऐड करना है जिससे कि लम्स ना बने। अब हम एक एक करके बॉल इसमें डालेंगे और बाद में आप इसको किसके साथ खाना पसंद करेंगे ये बताइए। मैं इसको किससे खाऊं आप बताएं, आपको किसके साथ अच्छा लगेगा? सॉस मतलब, और साथ में कोई बढ़िया सी मॉकटेल। क्या कहने वेरी नाइस, सोने पे सुहागा, बस फिर मैं इसको खा जाऊंगी। तो चलिए अब हम इसे करते हैं डीप फ्राई। तो मेरी हेल्प बहुत कर दी है सीमा जी ने और अंजना मैम ने, मैंने तो बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए ये हेल्प का नतीजा होता है, पूरी प्लेट भर चुकी है। अब ये होने जा रहे हैं फ्राई, पोटैटो चीज बॉल्स। तो ये बॉल्स जो है वो फ्राई होने के बाद देखते हैं कैसे लगते हैं। हम बस इसमें ध्यान रखना है कि हमारे को बहुत ज़्यादा एकदम जो ऑयल है 100% बॉयल नहीं होना चाहिए, थोड़ा बॉयल होना चाहिए ताकि आपका जो अंदर से भी थोड़ा सा पक जाए। ऑल दो आलू पका हुआ है लेकिन चीज़ जो मेल्ट होकर आएगा ना मुँह में उसका अच्छा स्वाद आना चाहिए था। वो मैं अभी बाद में बताती हूँ। और इसको हम हल्का गोल्डन ब्राउन लेके चलते हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। तो लीजिए रेडी है हमारे पोटैटो चीज बॉल। तो अब हम करेंगे डिस्प्ले, और डिस्प्ले के लिए आपको सबको पता ही है कौन करने वाला है, अंजना जी। वैसे इसको एक को हम कट करके भी दिखाएंगे। वाह, ये ऐसा मिल्क का
ये आना चाहिए यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर चीज़ जो है वो मेल्ट हुआ हुआ है, और इसका खाने में तो टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। तो आज हमने सिटी की रसोई में बनाए हैं पोटैटो चीज़ बॉल्स। ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ आप हमारे पेज सिटी की रसोई पे देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी कोई रेसिपी शेयर करना हमारे साथ, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं।